अगर आपका बैंक खाता SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल में SBI ने अपने ATM ग्राहकों के लिए कुछ नियम में बदलाव किए हैं। अगर आपको ये नियम पता होंगे तो आपके पैसा निकासी के समय आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। जी तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जो SBI ने बदल दिए हैं। दरअसल में SBI के कस्टमर्स को खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण होने वाले सभी नाकाम ट्रांजेक्शन यानी कि अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त राशि का अब भुगतान करना होगा। SBI की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो अपर्याप्त बैलेंस यानी कि इनसफिशियंट बैलेंस के लिए फीस के रूप में यूजर को ₹20 और साथ में GST भी देना होगा। साथ ही SBI बैंक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए भी चार्ज वसूलेगा। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर मिली जानकारी के माने तो SBI के डेबिट कार्ड होल्डर्स को अपने ATM ट्रांजेक्शन के लिमिट पता होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है तो उसे अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। बैंक तय सीमा से अधिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ₹10 से ₹20 फीस और साथ में GST भी वसूल करेगा। इस मामले में बैंक का कहना है कि ग्राहकों को अतिरिक्त फीस चुकाने से बचने के लिए बैंक के ATM निकासी नियमों को बेहतर ढंग से जान लेना चाहिए। बता दें कि SBI एक महीने में अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन की सुविधा देता है। इसमें से 5 SBI ATM और 3 दूसरे बैंक के ATM की ट्रांजेक्शन शामिल हैं। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा भी मिलती है। इसमें 5 लेन देन SBI से किए जा सकते हैं, जबकि वहीं बाकी बचे 5 दूसरे बैंकों के ATM से करने की छूट है। बता दें कि अब SBI के ATM से ₹10,000 या इससे ज्यादा राशि निकालने के लिए आपको OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। बैंक अपने ग्राहकों को ₹10,000 से ज्यादा की निकासी के लिए यह सुविधा दे रहा है। अब बैंक के सभी ATM पर यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2020 को OTP आधारित ये सेवा शुरू कर दी थी। इससे जब कोई ग्राहक निकाली जाने वाली रकम दर्ज करेगा तो ATM स्क्रीन पर OTP एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यह OTP ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बता दें कि OTP आधारित कैश विड्रॉल फैसिलिटी केवल SBI ATM पर ही उपलब्ध है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lalluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।